हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल विद वीवीए माइक्रो। ये रिकॉर्डिंग हमारी ऑनलाइन क्लासेस की है, जो कि सुबह सैटरडे का टाइम है और सुबह सुबह हम क्लासेस ले रहे हैं, और ये क्लासेस लाइव होती है गो टू मीटिंग की मदद से, जो कि आप अपने घर पे मेरे साथ बैठ के लाइव इंटरेक्टिव ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज मिलते रहें, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारे साथ मिस्टर अली ज्वाइन कर रहे हैं। अली जी गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो। हम भी ठीक है। ओके, तो हम लास्ट क्लासेस में आपके साथ जो है सी वर्कशीट और शीट्स के बारे में आपके डिस्कशन किए थे, और मुझे आशा है कि आपने वो सारी चीजें सीख ली थी। हाँ जी बिल्कुल सर। ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज, राइट? तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको समझाया कि हम जब भी कोई कोड स्टार्ट करते हैं, तो कोड का बेसिकली हमारे पास जो है वो चार क्लियर है। ऑब्जेक्ट है। हाँ, पिलर है, ऑब्जेक्ट है ये। इसमें आपका एक एप्लीकेशन था, दूसरा वर्कबुक था, तीसरा शीट्स था। तो वर्कबुक और शीट्स का हम डिस्कस कर लिए थे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेंज। क्यों? क्योंकि तो रेंज के ऊपर ही हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। हमें फिल्टर लगाना हो, हमें शॉर्टिंग करनी हो, हमें कुछ भी काम करना है, डेटा स्टोरेज से लेकर डेटा एनालिसिस पे, तो हमारा मोस्टली काम रेंज पे ही होता है, राइट? सबसे जी पहले रेंज बिल्कुल। की कॉलिंग मेथड हम डिस्कस की थी आपके साथ, कि रेंज को कैसे कॉल किया जाता है। हाँ रेंज। हाँ सर। कॉलिंग मेथड बताया था आपको कि रेंज A1, रेंज A1 B1 करते हैं, या फिर सेल्स करते हैं, या सिलेक्शन करते हैं, राइट? अब हम आपके साथ डिस्कस करने रेंज। जा जी बताइए ओके ओके। डिस्कस करने जा रहे रेंज हैं का ये बता दे कि सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करना था। सिलेक्शन ओके ठीक है मेथड। ठीक है। आज का जो टॉपिक स्टार्टिंग टॉपिक है हमारा, वो है सिलेक्शन मेथड, कि हाउ कैन सिलेक्ट योर डेटा। अब सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस पे कुछ भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, और मुझे पता है कि मुझे A1 से लेके F18 तक सिलेक्ट करना है, तो एक नॉर्मल राइट यहां कर सकते हो कि रेंज A1 से लेके F18, जो कि आपका एक्सेल का मेथड है, वो आप कर सकते हो, राइट? लेकिन करेक्ट। वीवीए मेथड कहता है कि वीवीए बोलता है कि ऐसे नहीं, आप इस तरह से करो, दोनों को अलग-अलग कर दो, कि रेंज A1 कॉमा F18, मतलब एक स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा एंडिंग पोजीशन, मतलब कि ये यहां पे कर्सर रखेगा ऊपर में, और शिफ्ट के साथ ये नीचे कर्सर रखेगा, ठीक है? जी सर। शिफ्ट के साथ हो, नीचे कर्सर रखेगा, ठीक है सर? जी सर। दो कॉलिंग मेथड हो गया। सेलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मतलब कि एक एरिया को सेलेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो। तो नीचे वाला ऑप्शन से वीवीए मेथड है, क्यों? क्योंकि तो हम आगे चल के इसकी ऑटोमेशन वगैरह आसानी से कर सकते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए मुझे इसको पूरा सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शंस के लिए हमारे पास इससे क्या होता है, रेंज A1 डॉट कंट्रोल A करते हैं ना, करेंट रीजन जी डॉट सिलेक्ट, करंट रीजन ये कर सकते हैं। में। ओके लेकिन मुझे सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सी, जैसे इसको कंट्रोल प्रेस करके तो सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं रेंज, और इन्वर्टेड कॉमा में अपने सारे सेल्स लिख देते हैं जिस सेल से मुझे सिलेक्शन करना है, डॉट सिलेक्ट, वो आपके एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं, जी ठीक है? ये हो गया। अब मुझे मान सर। लीजिए पूरा सीट सीट के जितने भी सेल्स है, सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है,
तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेंज, लेकिन दिमाग की सेल्स, सेल्स डॉट सेलेक्ट, हाँ सेल्स डॉट सेलेक्ट, पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है। एक तो सिलेक्शन आ गया, एक एरिया एक्सेल मेथड से, वीवीए मेथड से, कंट्रोल ए, ये आपका जो मल्टी सेल सिलेक्शन होता है, और ये आपका पूरी शीट सिलेक्शन, क्लियर बराबर। हाँ अब बात करते हैं कर्सर मूविंग का। कर्सर मूविंग मतलब कि मैं चाहता, हम लोग जो मान लीजिए मुझे सबसे एक तरीका, मैं ऐसे वन बाय वन करके आएंगे, तो मान लीजिए कि मैं कर्सर ए वन से तीन से नीचे आना चाहता हूं, जो हम होते हैं वन टू थ्री करते हैं ना एरो की, ओके ऑफसेट, हाँ तो उसके लिए यहां पे ऑफसेट इस्तेमाल करते हैं कि रेंज ए वन डॉट ऑफसेट, ए वन स्टार्टिंग होगा कि मुझे अगर दो रो तो दो रो एंड जीरो कॉलम, जीरो कॉलम डॉट सेलेक्ट डॉट, ये क्या करेगा वन टू यहां आएगा जीरो वन टू। अगर मैंने यहां पे मान लीजिए कि सिक्स कर दिया कॉलन, तो ये आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक जीरो से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए कि मैं ए टेन पे हूं, ए टेन पे मैं मान लो सी सी टेन पे हूं, अगर मैंने यहां पे कर दिया माइनस वन और हमने कर दिया यहां पे माइनस फोर, तो क्या हुआ कि कर्सर जाएगा सी टेन पे, सी टेन यहां से क्या है आपका माइनस वन, एक रो ऊपर जाएगा और यह माइनस फोर, तो माइनस फोर नहीं होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे कर दो ही है कि जीरो वन जीरो वन टू, तो एरर आएगा इसमें, तो इसमें आप टू कर सकते हैं, तो दो कर रो पीछे जाएगा। मतलब कि अगर ऑफसेट में क्या होता है कि आप जब भी ये करते हो, मतलब कि ऑफसेट लगाते हैं आप, तो ए होता है आपका, ये आपका एंडिंग पोजीशन हो गया, ठीक है, नीचे आपका अगर आएगा तो प्लस में आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, सेम लेफ्ट में आएगा तो प्लस में आएगा, राइट में जाएगा तो माइनस में आएगा, समझे? हाँ क्लियर है जी सर, ऑफसेट का जी जी ओके। अब हाँ। आप ये तो ऑफसेट हो गया, अब दूसरा होता है कि हम लोग मतलब कि स्रीच जो होता है ना जंप, स्रीच जंप करते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कि हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो डायरेक्ट यहां आता है, हमने कर्सर यहां रखा और कंट्रोल के साथ डाउन एरे किया, राइट एरे किया, अप एरे किया, तो ये इस तरह से कर्सर मूव करता है, और बीच में कहीं ब्लैंक है तो उसके ऊपर तक चला जाता है। तो इसको कैसे वीवी के जरिए करते हैं, तो ये आपका रेंज के जरिए करेंगे, रेंज ए वन डॉट एंड और यहां पे देते हैं एक्सेलेस अप, माफ कीजिएगा डाउन नीचे करना है, तो एक्सेलेस डाउन डॉट ऑप्शन। हाँ तो ये समझ में आ रहा मुझे कि मैं ये समझ में आ रहा है कि मतलब कब ब्रैकेट डालना है कब डॉट डालना है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कौन कहां पे। हाँ मतलब ये जो आपने लिखा ना ये कोड तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी समझो डायरेक्ट मैंने रेंज लिखा और बिना ब्रैकेट के मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में ए वन लिख दिया और एंड एक्सेलेस आपको मैंने आपको बताया था ना कि रेंज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओके ठीक है, और इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट डिटेल कि रेंज कौन सा, तो हमने डाल दिया ए वन, तो रेंज ए वन पे क्या करना है, तो मैंने बोला एंड में जाना है, तो एंड क्योंकि एंड तो चार है, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ब्रैकेट में इसका बताना पड़ेगा कि हाँ हमें जाना है डाउन, आप सवाल पूछो ना डाउन में क्या करना है, तो मैंने बोला सिलेक्ट करना, तो ये आपका हो गया
रेंज, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, इस एक्शन का सब एक्शन हो गया, डिटेल हो गई और इसका अगेन एक्शन हो गया। इसमें दो एक्शन हुआ कि एंड में जाके एंड में डाउन में जाके सिलेक्ट करना है। अच्छा समझे। और कोई भी ऑब्जेक्ट डाल, जैसे हमने वर्कबुक में भी आपने देखा था कि हमने ब्रैकेट में इनवर्टेड कॉमा में बुक कौन दिया था, क्यों दिया था, बराबर, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट, अब यहां पे हमने बोल दिया सेल्स लॉट सेलेक्ट, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, क्यों, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो भी नहीं है, पूरा ओवरऑल है। तो यहां पे समझ गए जी सर, आगे बढ़े। तो एक्सेल ए वन डॉट एंड डॉट एक्सेल डाउन, राइट, डाउन जाकर सेलेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि यहां से कर्सर लेगा और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेगा, सबसे नीचे आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहां पे डाउन की जगह पे मतलब लेफ्ट राइट अप, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, अप चाहिए, डाउन चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज हम करते हैं डायनेमिक सिलेक्शन के लिए। हमने आपको बताया कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि इस तरह का एक फालतू डेटा होता है। अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत है। तो मैं चाहता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन, लेफ्ट एरो एंड डाउन, डाउन एरो सिलेक्शन हुआ। ए सिलेक्शन कैसे होगा ये देखिए, यहां पे हम इस मेथड का फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। तो मैंने यहां पे दे दिया रेंज, मैंने बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन तो फिक्स है हमारा A1, पता है। देन हमने कर दिया कि रेंज A1 से चले एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। तो A हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, एंडिंग पोजीशन A निकाल देगा, जैसे कि ऊपर A1 और F15 है, F1 जो है A निकाल लेगा, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, क्लियर है। ओके, ये दो कोड एक साथ में हो गया क्या? हाँ, दो कोड हमने एक साथ में कर दिया। अब बात आती है कि अब क्या हो गया कि इस सिलेक्शन इस तरह से कर लिया, अब मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे लेके आना, ठीक है, इसी सिलेक्शन नीचे लेके आना है। तो इसके साथ एक और लाइन यहां लिखे जाएंगे कि रेंज, अब यहां मैं बोलता हूं सिलेक्शन, क्योंकि यहां पे कोई एक सेल कर दिया तो उसी सेल को लेके नीचे आ जाएगा। मैंने बोला कि सिलेक्शन जो है उस सिलेक्शन से एंड एक्सेल डाउन, डॉट सेलेक्ट, ठीक है, ओके। तो अभी अपना रेंज क्या है, एक्शन, एक्शन है और सिलेक्शन रिएक्शन है। ठीक है, हाँ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं अभी, ये हो गया। लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं हुआ, कि मान लीजिए कि यहां पे ब्लैंक हो, यहां ब्लैंक हो, यहां ब्लैंक हो, तो कैसे सिलेक्शन करोगे, क्योंकि यही तक रह जाएगा, यही तक रह जाएगा। अभी इसमें हम ऑब्जेक्ट फाइंडर करते हैं, हम यहां पे करते हैं आर इक्वल टू रेंज XFT1 डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट कॉलम, माफ कीजिए सी हो गया सी। एक क्या करेगा कि सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा एक्सेप्टेड जोन, और यहां से वो राइट एरो प्रेस करके यहां पे आएगा। तो इसकी सबसे लास्ट रो का रो नंबर्स को पता चल जाएगा कि इसका लास्ट रो नंबर क्या है, इसी पे स्टोर हो जाएगा लास्ट कॉलम नंबर। फिर अगेन मैंने यहां पे बोला कि रेंज A65000 या 10 लाख अपने हिसाब से जो ले लीजिए डॉट
एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो मुझे क्या बोलना है, ये सी इज इक्वल टू और आर इज इक्वल टू क्या है? सी जो है हम जैसे मैथमेटिक्स हम लोग बनाते हैं तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट होता है सपोज ओके okay. ऐसे हमने एक सी ले लिया, सी क्या हो गया एक टेम्पररी सेविल लोकेशन हो गई जहां पे हमने एक वैल्यू को होल्ड करा दिया, ठीक है। तो मतलब कि एक जो कोड है एक कोड अपना रिजल्ट इस पे स्टोर कर देगी, ठीक है, अपना रिजल्ट इस पे स्टोर कर देगी और फिर मुझे आगे चलके चाहिए रिजल्ट तो मैं ले सकता हूं। तो मैंने यहां पे कर दिया कि रेंज A1 स्टार्टिंग हो गया और एंडिंग नहीं पता, लेकिन एंडिंग का पता है कि मान लीजिए कि ये आपका छठा नंबर रो और 18वां नंबर कॉलम, छठा नंबर रो 18वां कॉलम तो ये आएगा लास्ट में। तो हमारे पास एक सेल्स कोड है जो कि रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो हमने इसके देने से फायदा क्या हुआ, नहीं तो हम एक ए भी कर सकते हैं कि जो कोड हमने यहां लिखा है इसको डायरेक्ट यहां भी एंट्री कर सकते हैं आर के जगह पे और यहां भी एंट्री कर सकते थे सर, लेकिन वो जो राइट से आएगा सुनो, जो एक्स एफ डी जो लिखा है आपने वन जो करके लिखा है वहां से अगर डेटा यहाँ पे आएगा तो जब राइट साइड भागेगा डेटा तभी वो पूरा कॉलम थोड़ी सेलेक्ट करेगा, उतने सेलेक्ट करेगा ना जितना गैप बिना गैप के है। क्या गैप समझा नहीं, आप वो डेटा में जाइए ना, हाँ अभी 75 यहां से कंट्रोल के साथ हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा के लास्ट कॉलम पे आएगा ना, लास्ट कॉलम मिल गया, ठीक है। लास्ट कॉलम A1 तक थोड़ी A1 तक नहीं जाना है, मैंने A1 तो पता है हमें, ठीक से हमें लास्ट ही तो निकालना है कि डेटा क्या, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, ब्लैंक है बीच में ब्लैंक बनेगा, तो हमने लास्ट से इधर आया तो मुझे लास्ट पता चल गया कि हाँ इसका लास्ट कॉलम क्या है, क्योंकि अगर मैं यहां कर्सर रखता हूं और कंट्रोल राइट एरो करता हूं तो कर्सर कहां जा रहा है, बराबर वो एंड में जाएगा, मुझे 6 मतलब कि एफ कॉलम मिल गया, ठीक है। और फिर मैं नीचे से अब ऊपर से नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर से नीचे आऊंगा तो बीच में यहां 12 पर अटक जाऊंगा क्योंकि पीछे ब्लैंक है, लेकिन मैं नीचे से एक ब्लैंक रो छोड़ के ऊपर जा रहा हूं तो मुझे मिल गया फिर यहां पे आएगा लास्ट रो पे जो कि 18 है, तो इसका मुझे 18 रो मिल गया। तो छठा नंबर रो छठा नंबर कॉलम 18वें नंबर रो आ गया। अब इसको हम सेल्स में डाल देंगे तो क्या बना देगा, F18, समझे। और A1 हमारे पास ये है तो जब रेंज में डालेंगे तो A1 से A15 सेलेक्ट कर लेगा डेटा में, ठीक है सर। और ऊपर ऐसे हमने आर सी इसलिए डाला ताकि यहाँ पे उतना कंफ्यूजन ना हो, मतलब कि घर बड़ी लंदी ना बने, हमने एक वेरिएबल्स ले लिए तो कभी भी आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ कैलकुलेशन वगैरह करानी होगी, जैसे मान लीजिए कि आपको 20+90 करना है तो आप एक वेरिएबल लीजिए उस पर कर दीजिए। अब इस जहां यहाँ देखिए वेरिएबल एक बार में एक ही लीजिएगा, जैसे आर ले चुके हैं तो आर मत ले सकते, ठीक है। अच्छा अब जहां मुझे इसका रिजल्ट चाहिए वहां हम टी इस्तेमाल कर लेंगे, ओके ठीक है। मैं अभी समझाइए, आपने जो सी लिया है उससे आपने कॉलम बनाया और जो आर है उससे रो बनाया, फिर हाँ। नीचे आके आपने A1 कॉलम और रो दोनों साथ में दे दिया करके डॉट सेलेक्ट करके, समझ गया सर, समझ गया। तो सिलेक्शन मेथड ये हुआ आपका कि आप जो है अगर आपके पास रेंज पता है तो इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करें, कंट्रोल ए के भी आप पे चलना चाहता है तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर कोई मल्टी शीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी शीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्सर को मूव करना चाहते हैं एक दो सेल तो यहाँ ऑफसेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कर्सर को कंट्रोल के साथ मूव करना चाहते हो लास्ट में ब्रेकवल सीरीज जो बोलते हैं जंप ब्रेकवल सीरीज जंप सीरीज बोलते हैं
कंट्रोल के साथ पेज डाउन अप एरो इसका मार सकते हैं, उसके साथ आप शिफ्ट भी दबा के कंट्रोल होता है ना शिफ्ट दबा के, ये मतलब हुआ कि शिफ्ट दबा के आप चल रहे हो मतलब कि सिलेक्शन कर रहे हो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो अप एरो राइट एरो यूज करते हो तो इस मेथड से होगा। अगर आपको डेटा आपका कुछ ऐसा नहीं है समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत यही होगा कि आपका लास्ट कॉलम लास्ट रो में डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि है, नहीं है लेकिन लग रहा है कि दूसरा नंबर रो पे डेटा पूरा है तो दूसरा नंबर रो से ले लीजिए, जरूरी नहीं कि वो पहले नंबर रो से ले। अगर A18 में डेटा नहीं रहेगा तो वो A17 सेलेक्ट करेगा और बीच में आधा डेटा छोड़ देगा। हाँ ठीक है, तो हम लोग डेटा में देख लेते हैं, जैसे कि आईडी है जो कि यूनिक है, सीरियल नंबर है जो हो तो सब में होगा ही होगा, ऐसे डेटा को ले लेते हैं। ठीक है बराबर, तो सिलेक्शन में तभी समझ में आ गया। एक टॉपिक आपने कवर किया वो है सिलेक्शन मेथड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, राइट। अब सेकेंड टॉपिक आता है डेटा राइटिंग, कि आप डेटा को कैसे राइट करोगे सेल। ठीक है डेटा राइटिंग, अब मान लीजिए कि मुझे अगर इस पे कुछ लिखना है A1 पे, मान लीजिए नेम लिखना है, मैं BVA के थ्रू लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, तो यहां होगा रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने कर दिया नेम, ठीक है, या फिर रेंज A1 डॉट वैल्यू नहीं, माफ कीजिए फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इक्वल टू नेम, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज A1 इक्वल टू मार्क्स, ठीक है ओके, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, जब एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल की वैल्यू पे डाल रहा है, जैसे मैं A1 की वैल्यू को F1 पे डालना चाहता हूं, तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया रेंज A1 F1 जिस पे वैल्यू डाएगा जाएगा वो जो वो सबसे मैंने इसमें होगा लेफ्ट साइड में होगा, और जहां से वैल्यू आएगा वो राइट साइड में होगा, F1 में वैल्यू जा रहा है और A1 से आ रहा है, मतलब रिसीवर पहले आएगा गिवर बाद में आएगा, ओके राइट, रिसीवर पहले आएगा और गिवर बाद में आएगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे मैंने डॉट फॉर्मूला कर दिया तो क्या होगा, अभी तो नॉर्मल है 85 है, लेकिन अगर मैंने यहां पे 10+30 कर दिया तो अगर मैं इस मैप रन करता हूं तो यहां पे आएगा F1 पे इक्वल 10+30, राइट, कब, जब मैं फॉर्मूला करूं, अगर मैं फॉर्मूला की जगह पे जस्ट वैल्यू कर दिया तो जस्ट 40 आएगा। अच्छा समझ गए, तो जहां वैल्यू अगर आप मैनुअल डाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू कहीं से उठा रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला और वैल्यू का फर्क पड़ता है, क्लियर है ओके। अब दूसरे तो मतलब हाँ फॉर्मूले की बात हो गई तो मैं एक तो हुआ कि यहां पे मान लीजिए मैं यहां पे मान लीजिए कि सम का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, जो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये सम का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं A7 में, तो यहां पे आप लिखेंगे रेंज A7 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 से A6 ब्रैकेट क्लोज कर दो आ जाएगा, समझ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इफ का फॉर्मूला लगाना, यहां पे मैं लगाता हूं कि इफ
अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। ए फॉर्मूला, मुझे ए फॉर्मूला वीवी के थ्रू डालना है, नॉर्मल थ्रू। एक देखिए इसमें आप समझ रहे होंगे कि भाई ए फॉर्मूला जो डाला ए डाला, ये तो नॉर्मल भी हम डाल सकते हैं ना। दो तरीके होते, एक तरीका होता है कि आप जैसा फॉर्मूला है ऐसा डाल दो, या दूसरा कैलकुलेट करके अपडेट करो। तो कैलकुलेट करके अपडेट करने के लिए भी हम सेम मेथड अपनाते हैं यहाँ पे, कि वैल्यू इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सम फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है कैसे पता चला, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें एक्सप्रेशन नहीं आया। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे, जैसे लेन, लेफ्ट, राइट, मिड, जो फॉर्मूला सपोर्ट करेगा उसको ब्रैकेट ओपन करते ही नीचे एक्सप्रेशन आएगा। जो फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करेगा उसमें नहीं आएगा। तो जो फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है उसमें नहीं अप्लाई कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सब, ठीक है। और यहां में रेंज A1 से A6, समझे। तो ए क्या करेगा पता है आपको, ए क्या करेगा कि इसका सम होगा, जो भी सम होगा इसका सम कितना 367, वो 367 डाल देगा। फॉर्मूला शो नहीं करेगा, हाँ नॉर्मल होगा। लेकिन ए मेथड क्या करेगा कि जो फॉर्मूला आपने यहां डाला हुआ ना, सेम चीज यहां डाल देगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, मतलब वो सेल में विजिबल करेगा फॉर्मूला, बात जरूर करता है वो क्या कि नहीं समझ रहा। जो सिंपल सी बात समझे, जो मैनुअल ऑफ फॉर्मूला टाइप करते हो ना, वो सेम फॉर्मूला इसने यहां से टाइप कर दिया, सिंपल। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं लेकिन अगर मैं कोड से रन करूंगा तो वहां पे दिखेगा नहीं ना वो, क्या यहां पे आपको दिखेगा यार। आपने क्या किया, A7 की वैल्यू आपने लिखा हुआ है, अब इसमें आपने इक्वल लगा दिया तो एक्सेल ऑटोमेटिक उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा हाँ, वही संभव, वही बोल रहा था, ठीक है। फॉर्मूला में दिखाएगा, अगर एप्लीकेशन वाला करेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा डायरेक्ट। एक्सेल एप्लीकेशन लगाओगे तो कैलकुलेट करके वैल्यू डाल देगा जी, ठीक है समझा सर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, जब भी आप मान लो कि इस तरह के एज मेथड ऊपर वाला मैं अपना रहा हूं, अगर इस तरह के मेथड अपनाते हो तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो दिक्कत होगा। जैसे ए फॉर्मूला लिखो, मान लीजिए मुझे B1 की वैल्यू इसी फॉर्मूला से करना है। इसे यूज कब करते हैं, जब लूप वगैरह नहीं पता है ना उसके लिए। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे इस पूरे में अप्लाई करना है ए फॉर्मूला जो पेंडिंग इंडिंग है, अब इसके लिए लूप वूप लगाना मुझे नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने अरेंज किया, रेंज में हमने यहां दिया B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने इन्वर्टर कुमार फॉर्मूला डाल दिया। अब पता है गड़बड़ क्या हो गई इसमें, गड़बड़ यहां देखिए क्या हुआ, एक एरर आया, क्योंकि एक्सेल समझ रहा है कि इन्वर्टर कुमार यहां शुरू हुआ और यहां क्लोज हो गया। हाँ समझे, मुझे इसको ये बताना है कि भैया इन्वर्टेड कॉमा मुझे प्रिंट करने वहां पे, तो कैसे समझेगा, इसके लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसका, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपका सेक्टर, अब बात यहां पे आ गई कि मुझे इसको कॉपी करा के नीचे तक पेस्ट करने, यहां नीचे तक। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए दो तरीके हैं, एक तो एक तरीका हमने वैल्यू डाल दी, देन मैं करता हूं यहां पे रेंज A1 से डॉट एन एक्सेल डाउन, राइट, एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, या हम यहां पे भी कर सकते हैं कि डॉट ऑफसेट पूरा ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट यहाँ पे एक्टिव सेल करके,
तो डायरेक्ट लेफ्ट जाके राइट मार के फिर ऐसा ऊपर एक जाएगा। एक क्या करेगा, नहीं एक क्या करेगा, सबसे ऊपर से नीचे आया कंट्रोल प्रेस करके राइट में और जाएगा ऑफसेट क्या करेगा, एक कर्सर आगे कर देगा। जीरो कॉलम, जीरो रो वन कॉलम में लेके जाएगा वो, फिर डायरेक्ट इसको ऊपर कर लेके जाएगा। हाँ, उसके बाद एक क्या करेगा, मान लो एक क्या करेगा कि यहां पे अभी क्या करेगा कि रेंज एक्टिव सेल डॉट एक्टिव सेल डॉट एन एक्सेलस अप डॉट फिल डाउन। फिल डाउन मतलब कंट्रोल डी। तो ये क्या करेगा कि कर्सर पहले लाइन यहां तक लाएगा और ये ऊपर तक जाएगा, कंट्रोल डी प्रेस करेगा। आया समझ में? जी समझे सर, ये नॉर्मल एक्सेल एक्सेल रूटीन वर्क कोड में डाल दिया। हाँ, जैसे हमने यहां से हमने फॉर्मूला डलवा दिया, यहां से हम सबसे नीचे आ गए और यहां से नीचे से ऊपर डेटा को सिलेक्ट किया और ऊपर की वैल्यू को नीचे हमने फिल डाउन कर दिया, या फिर कॉपी पेस्ट भी हम आगे करवा सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला हैंडलिंग करेंगे, क्योंकि अगर ना करते तो फिर लूप वूप लगाना पड़ेगा आपको, तो लूप से बचने के लिए हम लोग यही इस्तेमाल कर देते हैं। वापस वो फॉर्मूला रिमूव करने के लिए कॉपी एज वैल्यू पेस्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। ऐसा अगर हुआ कि ऐसी दिक्कत हुई तो कॉपी करूंगा और मैं लिखूंगा कॉपी और यहां लिखूंगा पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट एज वैल्यू भी चाहिए, ओके फॉर्मूला रिमूव, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आपको डेटा डालना समझ में आ गया, डेटा डालना, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला को हैंडल करना, आपको समझ में आ गया? हाँ फिलहाल सम और वो जो अभी जितना भी आपने बताया उतना समझ तो आ गया मुझे। मतलब इसके अलावा भी और काम कर सकते हैं इस पे, हाँ इस पे तो काम कर लेंगे। मतलब कि आपको फॉर्मूला डालना हो गया, कॉपी पेस्ट करवाना हो गया, ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन वगैरह करना हो गया, ड्रैग सेलेक्ट करना हो गया, तो कर लेंगे आप, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमने अब ये मेथड आपने सीख लिया, अगला मेथड देखिए, अगला था वीवीए कंसेप्ट है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने मेन कर लिया, राइट। ये क्या करेगा कि जो एक्टिव सीट है उसके a1 पे जाके नेम लिख देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीट 1 के a1 पे जाके नेम लिख। तो इसके आगे मुझे शीट्स का एड्रेस देना होगा कि शीट्स a1 से, सॉरी शीट्स शीट वन शीट 1 डॉट रेंज। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका क्या पता है, इसको अलग कर ले, सीट 1 डॉट सेलेक्ट और फिर रेंज 1 डॉट नेम डॉट वैल्यू कर, एक तरीका आपका बराबर बराबर। ठीक है। कैसे मूव कीजिए, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या डालेंगे कि वर्क बुक्स, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग पहले से दी, मैंने अभी फोन पर बात करा था, स्टॉप कर दी। बुक 1 डॉट एक्सेल, एक तरीका तो आपका ही है, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि आप इसको यहां से तोड़ो, यहां पे डॉट बाद में एक्टिवेट करो, फिर इसको तोड़ो, तो 3 ऐसे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है सर।
बुक वन है ऑलरेडी ओपन होना चाहिए ना सर, तभी वो ओपन अगर बुक वन ओपन नहीं है जिससे पहले उस बुक वन को ओपन करा दीजिए। ओके ठीक है आप चलिए ये समझ में आ गया। तो चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्म है, ध्यान से देखिए कि इस पे अभी आपको काम करना है, और एक डेटा है। फॉर्म में मेरा यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं डेटा लिखूं, मैं छोटा सा फॉर्म बनाया है, आप एक आपको मतलब कि एक अलग फॉर्म बनाई है, छोटा सा फॉर्म बनाने के लिए बनाया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि डेटा जैसे डालू पर क्लिक करूं तो सारा डेटा एक के नीचे हाँ खुले ही, समझे। तो चलिए इसके लिए हम एक मैक्रो बनाते हैं, रियल मैक्रो, सब सेम लिखे नाम से मैंने बनाया, बाइक क्लोज। रेंज तो हमने यहां पे, अब मुझे क्या करना है कि सीट में मुझे यहां पे नीचे डेटा डालना, समझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे रेंज A65,000.and(xls_up.offset1,0.value) इक्वल टू B3, B3 है, रेंज B3.value। तो हमने A क्यों ना किया, सबसे पहला कि गलत है, इसके आगे सीट्स देना चाहिए हमें, तो हमने यहां पे सीट्स डेटा दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा शीट पे जाएगा, 65,000 रो पे जाएगा और नीचे से ऊपर आएगा और फिर एक नीचे आएगा, समझे, और यहां पे नाम डाल देगा, दो ही है नाम, फॉर्म का डेटा। अब लोग सिर्फ फॉर्म के आगे में नहीं लगाया, अब इसको आगे लगाना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म सीट पे जाके ही करेंगे ना, क्या बोल रहे तो फॉर्म एक्टिवेट होगा, ऐसे चाहो तो डाल सकते हो, डालने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कंफ्यूजन ना हो तो यहां आप लेके डाल दीजिए, इसमें फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं एक सेल के लिए हुआ, अब दूसरे सेल के लिए मैं सेम यहां कॉपी करूंगा और यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे 1 होगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे पूजा था ना, तो जब मैंने क्लिक किया तो डेटा में यहां पूजा एंट्री हो गई ना, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो पूजा पे जाएगा और मुझे रोल नंबर पूजा के सामने डाल दिया। तो मैंने बोला कि रो नहीं चेंज करना है, कॉलम चेंज करना, यहां पे रोल नंबर डाल दो, इसलिए जीरो रो वन कॉलम, इसलिए यहां पे मैंने डाला। और यहां किसकी वैल्यू, तो B6 की, यहां पे मैंने B6 कर दिया, राइट। और फिर इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और यहां पे मैंने दिया अगेन 2, मतलब कि
अब रोल नंबर डल चुका है तो नीचे से ऊपर आएगा और एक कॉलन एंड दूसरे कॉलन यहां पे नंबर डालेगा जो भी आपका अमाउंट है जो भी आपका है, ठीक है। इसलिए यहां पे हमने 2 डाला और यहां पे बी 9 की वैल्यू। एक बार ट्राई कर लेते हैं। बटन बनाते पहले, बटन डेवलपर टैब में इंसर्ट, ये जो दिख रहा है आपको, इस बटन को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए और यहां से सेल को सिलेक्ट करके ओके कर, ठीक है। और इसको आप चेंज कर सकते हैं सर, समझिए सर। अब यहां पे रोल नंबर 1 तो यहां पर मैं डाल देता हूं और इस पे क्लिक किया तो डेटा आ गया। मान लीजिए नीरज करता हूं मैं, नीरज रोल नंबर चेंज कर दिया, रोल नंबर 2 और अमाउंट हमने चेंज कर दिया और सेट पे क्लिक किया, आ गया नीरज उसके नीचे। रन मतलब इस पे क्लिक करते हो रहा है नहीं, इवेंट इसमें हमने क्या किया है, जब इसमें डेवलपर टैब से ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से देखिए क्लास में ध्यान लगाइए, डेवलपर टैब में गया इंसर्ट में, यहाँ पे बटन्स को जब हम यहाँ पे ड्रैग किया तो मुझसे नहीं पूछा असाइन मैक्रो, हमने सेलेक्ट करके ओके नहीं किया था, वो छोटा था समझ में नहीं आया मुझे, देखा नहीं, समझ में आ गया आप, समझ गया मैक्रो पे डिजाइन हो गया। हाँ, या फिर अगर आप ये स्टाइलिश बटन बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लीजिए पिक्चर को, बटन के पिक्चर को, या फिर यहाँ भी बटन के पिक्चर्स हैं, इसको आप डिजाइन कर लीजिए, इस पे जो लिखना है लिख दीजिए, इस पे जो आपको असाइन करना है असाइन कर दीजिए, लिखना है लिख दीजिए, इस पे आप राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर दीजिए, ठीक है। असाइन मैक्रो हो गया, अब इस पे भी क्लिक करने से मैक्रो रन हो जाएगा, लेकिन मैक्रो रन हो रहा है कंप्लीट हो रहा है तो कोई ऐसा पॉपअप नहीं दे रहा है, दो चीजें करनी है, एक तो मुझे कंफर्मेशन मैसेज दे कि हाँ आपका डेटा सेव हो गया है और दूसरा इस एरिया को ब्लैंक कर दे। ओके, तो सबसे पहले मैसेज देने के लिए तो हमारा MSG बॉक्स है, मैसेज बॉक्स देते हैं कि योर डेटा हैव बीन सेव, राइट, और खाली करने के लिए यहां रेंज। अब मुझे अलग अलग ना करके मैं एक साथ लिख देता हूं कि यहां पे B3, B6, B9 है और डॉट क्लियर कंटेंट, ठीक है। अब मैं इस कंटेंट्स में तो क्लियर हो गया, फॉर्मेटिंग भी गायब हो जाएगी ना आपकी। अब सेव कीजिए, मैसेज दिया एंड ओके, खाली हो गया, यहां एंट्री कीजिए, डेटा यहां आ गया नीचे। समझ में आया सर, अब इस कोड में बताइए कोई डाउट है? नहीं, मुझे समझ में आ जाता है कि कोड बोलना क्या चाहता है करके, कोडिंग पढ़ने में आ जाता है थोड़ा, लिखने में कंफ्यूजन आ जाता है। अब आप, हाँ, लिखने में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत कम कोडिंग लिखते हो, इसलिए अभी काम कीजिए। अभी ये मेथड मैंने बता दिया आपको, इस मेथड से मैंने आपको एक 3 सेल का फॉर्म बना दिया। अभी आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो एक फॉर्म डिजाइन कीजिए, जैसे कि पैन कार्ड का फॉर्म हो गया, DL का फॉर्म हो गया, आपके ऑफिस में बहुत सारे फॉर्म होंगे, या जीमेल अकाउंट क्रिएशन का फॉर्म हो गया, तो कोई एक फॉर्म डिजाइन कीजिए जो कि एक फॉर्म कहलाए, इसको फॉर्म तो नहीं कहेंगे, नहीं नहीं फॉर्म नहीं, एक फॉर्म बनाइए जिसमें 20-25 सेल्स हो और उस फॉर्म को आप डेटा को स्टोर करवाए, ठीक है।
विथिन फाइल, और आप इस मेथड से, जो मेथड मैंने ऊपर समझाया, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए फाइल को, इस डेटा को दूसरे फाइल में भी स्टोर करें। अब इसका, इसकी मदद से मैंने एक काम किया था, पता क्या काम किया था मेरे पास, क्या था कि मेरे टीम में मेरे पास तकरीबन 1500 एम्प्लॉय थे, जिनको डेली बेसिस पे, जो कि एक ही फ्लोर पे बैठते थे, कॉल सेंटर था। तो उसमें क्या था कि 1500 स्टाफ जो थे, उनका मुझे डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस स्कोर चाहिए। एक परफॉर्मेंस का एक फॉर्म होता था, वो बोलते थे कि कितने कॉल्स आए, कितना कॉल्स अटेम्प्ट हुआ, कितना कॉल्स वार्निंग हुआ, कितने कॉल्स को स्कोर किया, इस तरह के डेटा वो फॉर्म को फिल करते थे, ठीक है। हाँ। जिसके बिहाफ से उनका अप्रेजल जो नहीं, उसी डेटा के बिहाफ से होता था, अप्रेजल की जो स्कोरिंग होती थी उसी डेटा के बिहाफ से, ईयरली बेसिस पे डेटा को एवरेज और रैंकिंग निकाला जाता था, उससे रैंक और स्कोर जनरेट होते थे, और उसी स्कोर से उनको का अप्रेजल, जो सैलरी इंक्रीमेंट होती थी, सैलरी की इंक्रीमेंट होती थी, समझे। तो प्रॉब्लम क्या था कि एक टीम थी जिसमें करीब 6 बंदे थे, जो कि इनका काम ही था उन सबों से एक डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस डेटा को कलेक्ट करना और फिर इसको कंसोल्ट करना, बात समझे। कि मेल, वो लोग क्या करते थे, अपने अपने फाइल मेल पे उस डिपार्टमेंट को देते थे, और डिपार्टमेंट 1500 फाइल को डेली क्या करती थी, मेल रिसीव करती थी, कॉपी पेस्ट करती थी, और फिर जिनकी मेल नहीं आती थी उनको उनको नोटिस देती थी, नोटिस के बाद भी जिनको नहीं आती थी तो उनको इसको अटेंडेंस टीम, एचआर टीम को भेजती थी कि आज परफॉर्मेंस स्कोर नहीं आया है, तो परफॉर्मेंस स्कोर नहीं आया तो एचओडी से कंफर्म करना है, अटेंडेंस लगाना है कि नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर अगर आई है तो अटेंडेंस लगेगा, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो विदाउट परफॉर्मेंस स्कोर का अटेंडेंस लगाने के लिए एचआर, माने कि एचओडी का अप्रूवल चाहिए होता है, समझे। ये बंदा आज ट्रेनिंग में था, बंदा आज दूसरे फ्लोर पे था, इसके पीसी खराब था, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं काम, मैंने कि मैं प्रोडक्टिविटी आज नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलम किया, तो एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए आपको मेल करना होता था ना। जैसे मैंने आज मान लो किसी दिन में ट्रेनिंग नहीं ली, तो ट्रेनिंग नहीं लूंगा तो स्कोर नहीं जनरेट होगा, तो मैं अटेंडेंस लगाने के, मुझे बोलना पड़ेगा ना कि भाई हाँ आज मैं ट्रेनिंग के डेटा तैयार कर रहा था कि किसको किसको ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या टॉपिक पर आना है। तो आप सोचिए कि 1500 फाइल को डेली ओपन करना, उसको डेटा को कलेक्ट करना, डेटा के डुप्लीकेसी को रोकना कि डेटा डबल ना हो डेट वाइज, और फिर जिन्होंने डेटा नहीं भेजा है उसको वापस रिमाइंड करना, उसका पूरा ट्रैकिंग करना, एक पूरा सिस्टम है, एक टीम का वर्क था ना। जब मुझे, जब मैं उस कमिटी में ज्वाइन किया तो मैं तो इस डिपार्टमेंट नहीं था, मैं किसी और डिपार्टमेंट में था, तो मैंने काम अपना सारा काम ऑटोमेट कर दिया 3-4 महीने में, और मेरे पास काम कम गए, काम आते थे सारा मैप को बना हुआ, मोस्टली काम होता था, तो जो मिसलेनियस वर्क होता था वो घंटे 2 घंटे बैठे कर देता था, जो ऑन डिमांड रिपोर्ट होती थी, जो भी डेटा फिल्टरिंग होती थी। तो हमारे बॉस ने बोला कि यार इस टीम का काम आसान करो, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही रिपोर्ट को दो बार उन्होंने कॉपी, एक ही डेटा को दो बार कॉपी पेस्ट कर, तो मतलब कि उनकी एक्यूरेसी 100% नहीं जा पाती, 70% 80% एक्यूरेसी होता है। तो बॉस ने बोला कि यार कुछ करो ताकि 100% एक्यूरेसी हो, तो मैंने यही किया। मैंने क्या किया कि एक शेयर ड्राइव टेक टीम को बोल के मैंने एक शेयर ड्राइव बनवाया, जो कि हर एम्प्लॉय को एक्सेस था, ठीक है, और हर एम्प्लॉय को एक्सेस था। उसके बाद मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को और जो शेयर ड्राइव था उस शेयर ड्राइव में मैंने उस डेटा को डाल, उस फाइल को डाल, डेटा फाइल को, जैसे यह डेटा फाइल है ना, यहाँ फॉर्म किसमें बनाया आपने, एक्सेल में फॉर्म बनाया, एक्सेल में फॉर्म बनाया, फिर मैंने एक्सेल में,
हाँ एक्सेल में फॉर्म, यही जो फॉर्म नहीं दिख रहा है इसी तरह का फॉर्म बनाया मैंने, एक्सेल फॉर्म, एक्सेल फॉर्म बनाया। एक्सेल फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट उनको मिल, डेटा की रिक्वायरमेंट होती थी ना, उस रिक्वायरमेंट को मैंने फॉर्म में डाल दिया और मैंने सेंड बटन बना दिया, और मैंने हर लोगों को फाइल मेल कर दी कि भैया अब से आपको जो है फाइल को मेल नहीं करना है, इसमें फॉर्म को फिल करना है। ओके, अब वो और बुक शेयर बुक हो गई। नहीं शेयर बुक क्यों नहीं, शेयर करेगा नहीं, शेयर पे नहीं था क्या, शेयर ड्राइव में फोल्डर में था, डेटा फाइल तो किसी को ओपन करना ही नहीं था। तो बैकएंड में क्या करता था कि वो उस ड्राइव से, शेयर ड्राइव से फाइल को ओपन करता था, डेटा को पेस्ट करता था, डेटा को सेव करके फाइल को क्लोज कर देता था, बैकएंड में सारा प्रोसीजर होता था, समझे? मैं क्या बोल रहा था, जैसे अभी एक ड्राइव है समझो डी ड्राइव करके है, एक ऑफिस में मैं भी यूज करता हूँ, मेरा फ्रेंड भी यूज करता है, और डी ड्राइव में एक एक्सेल है जिसके अंदर आपने ऐसा मतलब अभी जैसे रिसेंटली आपने बनाया ना अभी ये हाँ। तीन तीन कॉलम का फॉर्म बनाया, अभी उसी सेम फाइल पे मैं भी डेटा एंट्री करता हूँ, मेरा दोस्त भी डेटा एंट्री करता है, लेकिन बाद में हम लोग एक दूसरे का फाइल लेके कोलेट करते हैं। हाँ तो आप ऐसे अभी ऐसी मैक्रो अगर मैं वही एक्सेल में ये जो आपने कोडिंग लिखा है कोडिंग करके अगर मैं बना दूं और वर्कबुक को शेयर वर्कबुक कर दूं तो मैं सेव करूंगा तो मेरा डेटा सेव हो जाएगा बैकएंड में, अब वो सेव करेगा तो उसका डेटा भी नहीं, सेव हो जाएगा। डेटा आपको देखिए वर्कबुक शेयर मत कीजिएगा, फॉर्म का फाइल अलग होगा, डेटा फाइल अलग होगा, ठीक है ना, हाँ डेटा उसकी फाइल अलग होगा, उसकी कॉपी, उसको उसकी उसकी कॉपी दे दीजिए, फॉर्म की कॉपी बन जाए। मैंने क्या किया, डेटा की एक ही कॉपी थी और फॉर्म की मैंने 1500 कॉपी बना दी, अब 1500 लोगों को भेज दिया, 1500 के पीसी पे चला गया, ठीक है। हाँ जैसे वो फॉर्म बटन पे क्लिक करता था तो कोडिंग क्या करता था, डेटा फाइल को ओपन करता था, और डेटा फाइल को ओपन करने के बाद डेटा डाल के सेव करके क्लोज कर देता था, तो एक सेकंड में भी, एक सेकंड के लिए फाइल खुलती थी, एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए, और फिर फाइल वापस क्लोज हो जाती थी, समझे? क्योंकि अगर मैं शेयर कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शेयर मैंने नहीं किया। शेयर करने के बाद फिर कोलेशन वाला काम तो नहीं जाएगा ना, तो मैं मतलब ऐसा हो गया कि अपना अपना फॉर्म ओपन किया, बटन किया, बटन पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही डेटा स्टोर हो गया। पढ़ेंगे बता रहा हूँ कि वैसे मुझे दो फॉर्म बनाने पड़ेंगे और डेटा का फाइल एक ही रहेगा। हाँ मेरे नाम का बनेगा फॉर्म, हाँ मतलब नहीं, मतलब कि ये डेटा रहे, ये डेटा रहेगा और ये फॉर्म, दो फॉर्म रहेंगे, दो फॉर्म रहेंगे, ठीक है। जब ये फॉर्म, जब इस फॉर्म पे फिल करके सबमिट बटन करेगा, इस ये फॉर्म क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा, डेटा को डालेगा और फाइल को वापस क्लोज कर देगा, फिर ये फॉर्म डबल क्लिक करेगा तो अगेन इस फॉर्म डेटा को ओपन करेगा, फाइल को ओपन करेगा, डेटा डालेगा एंड क्लोज करेगा। मतलब डेटा फाइल एक ही रहेगी बट जो फॉर्म रहेगा वो दो रहेगा, मतलब मिस्टर ए यूज करेगा, मिस्टर बी यूज करेगा, मिस्टर ए और बी का फॉर्म अलग अलग है। तो इसे पर अब इस पता है, इस फाइल से क्या, इस तरह के मैक्रो जब मैंने बना के दिया बॉस को, पता क्या हुआ, पूरी टीम को ही खत्म कर दिया है। ऑब्वियसली यही होता है ऑटोमेशन कैसे, अब टीम में बस काम ही नहीं रह गया, एक बंदा को हायर कर दिया, अब उसमें ये भी मैंने लगा दिया सिस्टम, लगा दिया कि एंड ऑफ डे जैसे कि 4 बजे का टाइम था, 4 बजे के टाइम में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो लिस्ट निकालेगा किसकी किसकी मेल नहीं आई है, मैंने फॉर्म नहीं फिल हुआ उसका लिस्ट निकाल के उसको रिमाइंडर मेल कर देता था, और उसकी एक डेटाबेस का एक रिमाइंडर मेल की कॉपी पर्सनल को डाल देता था ऑटोमेटिकली, वही 1500 में से 10 बच्चों ने नहीं किया, और ऑटोमेटिकली जब मतलब उस पर एक बटन होता था फाइल ओपन करने के बाद, मेक अटेंडेंस क्लिक करता था, तो जिसकी जिसकी मेल आई है उसकी अटेंडेंस मार्क कर देता था, जिसकी मेल नहीं आई है उसकी अटेंडेंस अब सेंड कर देता था। उसमें मैंने सिस्टम ये भी डाल दिया कि किस किस की अप्रूवल आ गई है, जैसे एम्प्लॉय को डाल देता कि एम्प्लॉय 1 की 2 की अप्रूवल आ गई है, 3 की अप्रूवल आ गई है,
क्लिक करता था तो 1, 2, 3 को परचेज करता था, बाकी सबको ऑप्शन करता था जिसकी मेल नहीं आई है, डेटा नहीं मिला हुआ है इसमें। चलो तो 100% एक्यूरेसी था, माने कि वो तकरीबन 1 साल फाइल यूज किया, 1 साल फाइल यूज करने के बाद एक भी एरर नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता आपको, एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम आई जो मुझे 1 साल बाद पता चला। अच्छा ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी पता आपको? क्योंकि एक मिली सेकंड में काम होता था, क्योंकि जो दो फाइल थी, दो फाइल जब बटन पे क्लिक करते थे तो मिली सेकंड के लिए ओपन करता था, तो शुरुआत में डेटा कम था तो दिक्कत नहीं थी, जब डेटा बड़ा हुआ तो ऑपरेशन में टाइम लगने लगा। तो मान लीजिए कि 10:05:06 पे मैं फाइल ओपन किया, मैं बटन पे क्लिक किया तो मेरा ये फाइल ओपन हो गया, और 10:05:06 में एक बटन और बंदा था वो भी उस बटन पे क्लिक कर, हाँ सेम टाइम पे दो डेटा नहीं सेव करेगा। तो क्या हो गया कि एक फाइल को तो इसने एडिट मोड में दे दिया और दूसरे फाइल को इसने रीड ओनली मोड में दे दिया। अब इसको ये एरर शो करने लगा क्लोज करते समय, डेटा तो डाल दिया, डेटा डाल दिया, जैसे ये क्लोज किया तो क्लोज करते समय उसी डेटा को सेव नहीं किया, रीड ओनली बनाने लग गया, उसको भी सेव करना पड़ेगा डेटा, मतलब डेटा का दो फाइल बना देगा वो, ऐसा लगा। हाँ सेव, मैंने सेव एज का ऑप्शन ही नहीं डाला था ना, वो पॉपअप आ गया ना, एरर आ गया। अच्छा अच्छा हाँ चले एरर शो कर दिया, समझे? लेकिन कब हुआ, जब है इसमें, तो इसके लिए हमने एक काम किया कि हमने वो बटन पे क्लिक करने से पहले एक प्रोसीजर दे दिया कि भैया जब तक इसका स्टेटस रीड ओनली मोड में है तब तक वेट करें, जैसे एडिट मोड में आएगा इसको सेव करें। फिर भी कुछ दिन तक काम चला, लेकिन फिर भी काम उतना परफेक्ट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इस डेटाबेस को एक्सेस में डाल दिया। एक्सेस में तो हो जाएगा, मतलब कि डेटा को एक्सेस में रहा, फॉर्म वही रहा हमारा, फॉर्म हमारा वही रहा, कि डेटा डेटाबेस हमने चेंज कर दी और एक्सेस में कर दी, समझे? डेटा को एक्सेस में डाल दिया। हाँ डेटा बेस मतलब कि हमने बटन पे क्लिक किया तो एक्सेल फाइल में डालने की जगह तो एक्सेस फाइल में डाला। अच्छा ये भी गुड है, गुड था। तो फिलहाल अगर आपके पास स्मॉल, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास 1500 स्टाफ हो गए और 1500 स्टाफ ऑफिस जाने से पहले फॉर्म भर रहे थे और सबको कैद में जल्दी होती थी, तो 1500 स्टाफ में कोई ना कोई एक या दो ऐसी चीज हुई जाती थी, ऊपर से डेटा बेस लार्ज हो गया तो ओपन होके सेव होने में कुछ सेकंड्स का टाइम ले लिया, इसलिए दिक्कत हुई। साल में दिक्कत नहीं हुई, एक साल बाद दिक्कत हुई, उससे हमारा डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बंदा उसको मैंने बोला भाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो रीओपन कर लो, इंतजार करो थोड़ा सा। ठीक है, तो आप आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, तो बैठ के मुझे फॉर्म बना के दीजिए, एक अच्छा सा फॉर्म जिसमें फॉर्म हो, जिसकी डेटा हम एक शीट से दूसरे शीट पे भी भेज सके और एक फाइल से दूसरे फाइल पे भी भेज सके। उसके बाद फिर हम आपको रेंज की फॉर्मेटिंग बनाएंगे, तो फॉर्मेटिंग करने से पहले आप पहले डेटा सेटिंग मेथड वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, बात कर रहे थे मैं क्या बोल रहा था अभी।